नीमच जिले में शुक्रवार नमाज अदा के बाद मुस्लिम समाज आक्रोश में 16 मई को हुई गोलीकांड की घटना को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में एक बार महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लेकर न्याय के लिए पहुंचे। वहीं कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की भी तैनाती रही, जहां आक्रोश मुस्लिम समाज को ज्ञापन लेने आए नायब तहसीलदार पिंकी साठे ने भी समाजजनों से कहा कि सुनी की ओर ज्ञापन सिर्फ जिला कलेक्टर के हाथ में देने की बात कही। वहीं नायब तहसीलदार पिंकी साठे की समझाइश के बाद मुस्लिम समाज ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए खुलेआम प्रशासन को चुनौती दी है। सर, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम समाज नहीं है, यहाँ पे नीमच के आम नागरिक हैं जो कि नीमच में हो रही वारदात के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ लोगों द्वारा शहर की फिजा बिगाड़ने के लिए नीमच शहर में मर्डर किया गया और पुलिस अभी तक उसको पकड़ने में नाकाम हुई है। तो हम लोग पुलिस की प्रशासन की आंखें खोलने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि अगर ऐसे ही पुलिस लापरवाही करती रही तो पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने आज एक मर्डर होगा या 10 मर्डर हो जाएंगे और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन आंख खोले और जो कार्रवाई उन्हें करना चाहिए उसका रिजल्ट करे। क्या लगता है परिजन वालों का कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक दबाव भी चल रहा है जिससे अभी तक के आरोपी फरार हैं? देखो, हमारे जो विधायक साहब हैं पहले भी हम लोग उनको बोल चुके हैं कि जैसे कि उनका नाम इसमें आ रहा है कि उनके घर के ऊपर सड़क के किसी ने पथराव किया है, तो आज हम वही चीज़ बोलेंगे कि विधायक साहब को पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और उस सहयोग के साथ में उन्हें बताना चाहिए कि कौन सा असामाजिक तत्व उनके घर में छड़के किसने पत्थर फेंका है। खुद विधायक साहब इसके अंदर आके सहयोग करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे जो विधायक साहब हैं वो जनता के साथ रहेंगे, वो निष्पक्ष होकर सबका साथ देंगे। क्या लगता है जैसे एक लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें आरोपी फरार है उससे लेकर अभी तक के पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम है, इसमें मैं क्या मांग रखना चाहूँगा? देखो, पुलिस प्रशासन ने कोरोना के अंदर इतना ध्यान दे दिया है कि सब तरफ से उसका ध्यान हट चुका है। तो हम पुलिस प्रशासन को यही बोलना चाहेंगे कि थोड़ा न्यायपालिका के ऊपर लोगों को असमंजस में ना डालें और जो न्याय लोगों को मिलना चाहिए उसके ऊपर वो कार्रवाई करें। जैसे कि एक शहर में एक बहुत बड़ी घटना है गोलीकांड की, ऐसे में HM मामला भी ये फंसता है। अगर कोई बाइक चोरी होती है तो पुलिस उसको 15 से 20 दिन में ढूंढ लेती है, ऐसे में सारे CCTV फुटेज भी चालू है। क्या लगता है आपको ऊपर से नीचे तक के क्या सरकार का दबाव है कि क्या? देखो, अगर पुलिस प्रशासन पूरी मेहनत और लगन से इसके ऊपर कार्रवाई करेगा तो हमें हमारे पुलिस प्रशासन पर उम्मीद है कि वो उसे 3 दिन के अंदर पकड़ के हिफाजत से पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई भी राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है या किसी भी तरह का दबाव बनाया जा रहा है तो अगर पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में दबेगा तो उसे प्रजातंत्र का दबाव भी सहना पड़ेगा। अगर पुलिस प्रशासन के तहत लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस